मध्य प्रदेश के देवास जिले के कनका खजुरिया में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, जिससे खुशियों का पर्व दशहरा गम में बदल गया है। गांव के राजपूत समाज के 5 बच्चे अवैध खनन से करे हुए गड्ढे में डूब गए, जिससे पूरे गांव में गम की लहर छा गई। तलाई नुमा गड्ढों में बारिश का पानी भर गया था। गांव के बच्चे उसमें नहाने गए। 7-8 बच्चों में से 5 बच्चे डूबने लगे। यह देखकर 2 बच्चे गांव की ओर भागे तथा गांव में सूचना दी। गांव वाले दौड़कर घटना स्थल पर पहुंचे व डूब गए बच्चों को निकाला। तब तक 5 बच्चों की मृत्यु हो चुकी थी, जिन्हें सुनकर गांव की महिलाएं व पुरुषों ने घटना स्थल की ओर दौड़ लगाई, मगर पहले पहुंचे युवाओं ने डुबकियां गोते लगाकर 5 बच्चों को एक एक कर निकाला व सोनकक्ष सामुदायिक अस्पताल लाया गया। प्रशासन के आला अधिकारी अस्पताल पहुंचे। सूचना पाकर जिला कलेक्टर श्रीकांत पांडे एवं जिला पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर सोलंकी, SDM अंकिता जैन, सोनकक्ष SDOP कुलवंत सिंह पहुंचे। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से अवैध खनन के कारण यह हादसा हुआ, क्या प्रशासन उन पर कार्रवाई करेगा? जब यह खबर सोनकक्ष नगर में पहुंची तो सोनकक्ष में मातम का माहौल हो गया एवं सभी अस्पताल की ओर दौड़ पड़े। देवास से संवाददाता की रिपोर्ट। और जैसे ही खबर मिली, तत्काल देवास से आना है, सबसे पहले हॉस्पिटल है, बच्चों का समागम हो रहा है और ये घटना जो पीछे आप देख रहे हैं, इसमें जो अपने जानवर मिली है उसके मुताबिक कोई नीचे जमीन है, इसमें बड़ा सा उसमें लिखा हुआ था और ये बच्चे नहाने के लिए आ रहे थे, मतलब कि एक गहराई बहुत ज़्यादा थी 8-10 फुट के आसपास, तो उसको डूबने से हम यही पता कर रहे हैं कि वो समय और क्यों किया गया और जाँच के बाद हम इसमें कोई जाँच कर मैं और SP साहब तुरंत पहुंचे हॉस्पिटल में। बात की डूबने से इन बच्चों की बाकी हुई है और उनके परिवार के साथ शहर के साथ हमारी सब है। अब हम स्पॉट पर भी जा रहे हैं और मिले हैं और इसकी क्या वजह है जो है हम कुछ हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।